जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। हम बात करेंगे आज खोटा प्रैक्टिस सेट नंबर 14। ये मिक्स्ड टाइप के प्रश्न होंगे, ये कह सकते हैं कि मिसलेनियस प्रकार के प्रश्न होंगे, इसमें मिले जुले प्रश्न होंगे, जहां से कह सकते हैं कि प्रश्न आपके हर एग्जाम में लगभग यहां इस सेक्शन से जो सवाल जो वो पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को, और आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को, जो कि आने वाले एग्जाम्स में आपको निश्चय ही यहाँ से एक दो प्रश्न देखने को मिलेगा। आज का पहला सवाल है कि खोटा भाषा का प्रथम प्रकाशित उपन्यास का नाम बतावा। तो इस पुस्तक का नाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा जिनगिक टोह। जिनगिक टोह जो वो खोटा भाषा में प्रकाशित प्रथम उपन्यास है, तो इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जिनगिक टोह। उद्वासल कर्ण की याद रखेंगे, जिनगिक टोह जिनको लिखा है किसने, तो चितरंजन महतो चित्रा के द्वारा लिखा गया है। जिनगिक टोह की अगर बात किया जाए तो इसको लिखा किसने है, चितरंजन महतो चित्रा के द्वारा यह लिखा गया है। कई बार सवाल यहां से पूछा गया कि जिनगिक टोह जो है इसको किसके द्वारा लिखा गया है, तो चितरंजन महतो चित्रा ने लिखा है। यह खोटा भाषा के प्रथम प्रकाशित उपन्यास है। उद्वासल कर्ण की अगर बात करें तो श्रीनिवास पांडे जी के द्वारा लिखा गया प्रथम नाटक है उद्वासल कर्ण, तो यह एक नाटक है। उड़ीस महातम यह महेश गोलवार के द्वारा लिखा गया एक कहानी है, जबकि एक पथिया डोंगल महुआ यह संतोष कुमार महतो के द्वारा लिखा गया, जिसका प्रकाशक रामधन प्रकाशन गांगजोरी के द्वारा इसका प्रकाशन होता है। 1990 में इसका प्रकाशन हुआ था एक पथिया डोंगल महुआ में, जिसमें कई सारी कविताओं का संकलन इसमें से किया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि कविता पुराण कौन साहित्य है, तो कविता पुराण जो वो एक बाल साहित्य है। कविता पुराण क्या है, यह एक बाल साहित्य है। इसको लिखा किसने है, तो एके झा के द्वारा लिखा गया है, जिसका पूरा नाम है अजीत कुमार झा। अजीत कुमार झा के अगर बारे में बात करें तो इनके पिता का नाम लक्ष्मी नारायण झा था, जबकि माता का नाम कुसुम बाला देवी। इनका जन्म चंडीपुर कशमार बोकारो में इनका जन्म हुआ 20 जून 1939 ईस्वी को एके झा का। तो यहाँ से भी कई बार सवाल पूछे जाते हैं कि एके झा जी का जन्म कब हुआ, तो 20 जून 1939 ईस्वी को चंडीपुर बोकारो में इनका जन्म हुआ था। वहीं अगर इनका निधन के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि इनका निधन कब हो गया, तो 29 सितंबर 2013 को इनका जो वो निधन हो गया। विज्ञान की ये बड़ी प्रेमी थे और विज्ञान भाषा से ये लगातार शुरू से ही जुड़े रहे, और उनके प्रति इनका जो वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन था, जिसके कारण से इन्होंने जो वो मौसम विज्ञानी के रूप में भी जाना जाता है, और इन्होंने एक सिद्धांत भी दिया था धारा गगन सिद्धांत। यहाँ से भी कई बार सवाल पूछे जाते हैं कि धारा गगन सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा दिया गया था, तो ए के झा के द्वारा दिया गया था। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे याद रखेंगे तो इन्होंने पतरातू थर्मल पावर स्टेशन में ये स्टोर कीपर के रूप में इन्होंने कार्य भी किया, जो कि 1975 से लेकर के 1999 तक इन्होंने जो वो कार्य किया। 1999 में ये फाइनली वहाँ से रिटायर होते हैं। इनकी कुछ प्रकाशित रचनाओं में अगर हम देखें तो खोटा काठे पैदे खंडी, खोटा काठे गैदे खंडी, सामाजिक सरजुत निसेन जो कि एक काव्य है, कविता पुराण जो कि बाल विषय पर लिखा गया कविता है, और इसका प्रकाशन कब हुआ था, तो 1995 ईस्वी में। खोटा साहित्य शतानिक व्याकरण जो कि खोटा का पहला व्याकरण माना जाता है, वो भी ए के झा के द्वारा लिखा गया है। सैर सग्रठ यह एक उपन्यास है। पोटी आरपालू एक शब्दचित्र है। मेका मेकिना मेट माट एक नाटक है। तो ये सारी चीज़ें जो इन्होंने जो वो किया है, साथ ही साथ कई सारे चीज अलग अलग साहित्यों का जो वो इन्होंने संपादन भी किया, जैसे खोटा लोक कथा, एक टोकी फूल, खोटा गद्यपद संग्रह, दो डायर जिरुल फूल, तितकी पत्रिका, दो डायर परास फूल, ये सभी रचनाओं का इन्होंने संपादन का भी कार्य जो वो किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, खोटा शब्द की उत्पत्ति खोटा से भेल है, ई ककर कथन लगे, तो यह कृष्णचंद्र दास आलाजी का यह जो वो स्टेटमेंट है। अगला सवाल है, खोटा लोक साहित्य के लिखल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिवनाथ परमाणिक के द्वारा। छहर कहानी लिखल है, तो छहर कहानी किसके द्वारा लिखा गया, तो चितरंजन महतो चित्रा के द्वारा लिखा गया है छहर कहानी संग्रह। इसका प्रकाशन 2007 में हुआ था, ठीक है, यहां से भी सवाल पूछा जा सकता है, और इसमें टोटल 10 कहानी है, 10 कहानी इसमें से पढ़नी है। एके झा शिक्षक रहा, तो एके झा शुरू से ये विज्ञान के प्रेमी थे, इसलिए ये विज्ञान भाषा से काफ़ी ज़्यादा ये जुड़े थे, इसलिए विज्ञान के शिक्षक के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अगला सवाल है कि खोटा वाल्मीकि ककरा कहल जाए, तो खोटा के वाल्मीकि अगर बात करें तो इससे पहले याद रखें कि खोटा के भीष्म पितामह, खोटा के नागार्जुन, खोटा के पुरोधा, खोटा के वाल्मीकि, खोटा शिष्ट साहित्य के जनक, अक्षय बोर, ये सभी नाम से जो वो श्रीनिवास पांडे जी को जाना जाता है। साथ ही साथ इन्हें कवि जी के नाम से भी जाना जाता है, कवि जी के उपनाम से भी ये जो है वो प्रसिद्ध थे। तो इसलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी श्रीनिवास पांडे इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगर श्रीनिवास पांडे जी के बारे में बात करें तो इनके पिता का नाम शालिग्राम पांडे, जबकि माता का नाम दुखनी देवी था। इनका जन्म स्थान बरवा अड्डा
ए धनबाद में इनका जन्म होता है 25 दिसंबर 1920 ईस्वी को और इनका निधन 7 अक्टूबर 1986 ईस्वी को हो गया। इनके द्वारा लिखी गई कुछ चर्चित रचनाओं में अगर हम देखें तो बाल किरण, मधुक देसे, राम कथा अमृत, मेघदूत, चाबी काठी, उद्वासलकरण, आंखी गीत, दिव्य ज्योति, अग्नि परीक्षा, समाधान, रक्ते मिंजल पंखा और कई अनेक निबंध इन्होंने जो वो प्रकाशित किया इनके द्वारा किया गया। साथ ही साथ इसके अलावा अगर हम कुछ अप्रकाशित रचना इनकी देखें तो परिजात, अपरिजात, मोहभंग, हमर गांव, भ्रमर गीत, युगे गीत, छोटो जी, मेरे गीत, माला फूल, अजनास, ये सभी रचनाएं जो इनका जो वो अप्रकाशित रचना है। अन्य में अगर कुछ रचनाओं को देखें तो झींगा फूल, मातृभाषा, किसान, कुसमी, और इन्होंने 3 पत्रिका जो प्रमुख पत्रिकाओं का इन्होंने जो वो संपादन भी किया है, जैसे मातृभाषा जो कि खोटा की पहली कह सकते कि पत्रिका के रूप में जाना जाता है, तो मातृभाषा, उसके अलावा खोटा और फिर एक पत्रिका है तितकी, ये 3 पत्रिकाओं का संपादक के रूप में इन्होंने जो वो कार्य भी किया है श्रीनिवास पानवे के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। रामकथामृत पानवे जी लिखल हला। अब रामकथामृत अभी हमने देखा कि यह एक खंड काव्य है या प्रबंध काव्य है जिसको लिखा है पानवे जी ने, लेकिन इसे लिखा कब गया है तो 1956 ईस्वी में रामकथामृत को जो वो लिखा गया है। तो याद रखेंगे इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1956 ईस्वी में इसे जो वो लिखा गया, 1956 में इसे जो वो लिखा गया रामकथा मृत को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। अगला सवाल बढ़ते हैं दिव्य ज्योति कविता लागे, तो दिव्य ज्योति जो वो एक कविता संग्रह है और जिसको लिखा है किसने, तो श्रीनिवास पानवे जी के द्वारा लिखा गया है, इसके राइट आंसर हो जाएंगे इसलिए ए नंबर। खोटा पखवारी पत्रिका के संपादक सन 1970 में रहत, तो खोटा पखवारी पत्रिका, तो देखिए खोटा पत्रिका सबसे पहले तो अभी हमने 3 पत्रिका के बारे में हमने डिस्कस किया, मातृभाषा, खोटा और तितकी जो कि धनबाद से प्रकाशित होता था, ये 3ों पत्रिका का संपादक के रूप में जो वो श्रीनिवास पानवे को ही जाना जाता है। अब खोटा सवाल पूछा जाता है कि किस प्रकार की पत्रिका थी, तो यह पखवारी पत्रिका था जो कि 15 दिनों में, यह प्रत्येक 15 दिनों में जो वो एक बार निकलता था, ठीक है। इसके संपादक सन 1970 ईस्वी से, इसका संपादन कब से शुरू हुआ था तो 1970 ईस्वी से और श्रीनिवास पानवे के द्वारा इसका संपादन किया जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांडे जी के निधन भेल रहे तो 7 अक्टूबर 1986 को इनका निधन हुआ, जबकि 25 दिसंबर 1920 ईस्वी को इनका जो वो जन्म हुआ, तो जन्मदिवस भी आपको याद रखने 1920 ईस्वी में, और इसीलिए 25 दिसंबर को जो इनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में ही खोटा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो यहाँ से भी सवाल जो वो कई बार पूछे जाते हैं। साथ ही साथ पानुरी स्मृति दिवस के रूप में अगर बात करें तो 7 अक्टूबर को जो मनाया जाता है। राजा दलेल सिंह की रचना लागे, तो राजा दलेल सिंह यह भी जो वो खोटा के पहले साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं, इसके बारे में आपको कई बार सवाल जो वो पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो याद रखेंगे राजा दलेल सिंह का उपनाम जो वो दलसाह उपनाम से जाने जाते हैं। इनका उपनाम क्या है, दलसाह। इनके पिता का नाम राम सिंह था, राजा दलेल सिंह के पिता का नाम क्या था, तो राम सिंह था। इनका जन्म स्थान बादम बड़का गांव हजारीबाग माना जाता है, और ये राजा थे कर्णपुरा के राजा, जिनके पूर्वज राम सिंह द्वितीय माने जाते हैं, और इसके उत्तराधिकारी जो था वो बीसन सिंह था। इनके पुत्र का नाम रुद्र सिंह माना जाता है, रुद्र सिंह, जिनके द्वारा एक रचना लिखा गया था ज्ञान सुधाकर। यहाँ से भी कई बार सवाल पूछा जाता है कि ज्ञान सुधाकर की रचना जो वो किसके द्वारा किया गया था, तो रुद्र सिंह के द्वारा किया गया था जो राजा दलेल सिंह के पुत्र थे। अगर राजा दलेल सिंह के शासन काल की अगर हम बात करें तो वो 1677 ईस्वी से लेकर के 1677 से लेकर के 1724 ईस्वी तक इसका जो वो शासनकाल माना जाता है। तो याद रखेंगे टाइम पीरियड अगर बात करें राजा दलेल सिंह का तो 1677 से लेकर के 1724 तक माना जाता है। इन्होंने एक कैथा का शिव मंदिर जो रामगढ़ में स्थित है, इसका निर्माण का श्रेय भी जो है वो राजा दलेल सिंह को जाता है, जिसे 2016 में राष्ट्रीय स्मारक भी घोषित किया गया है। राजा दलेल सिंह के बारे में और भी हम अगर कुछ फैक्टों के बारे में बात करें तो पलामू के राजा जयकिशन राय और दलेल सिंह ने तोरी पर कब्जा कर लिया, जो एक युद्ध के बाद नागवंशी राजा के कब्जे में थी। जयकिशन राय ने रामगढ़ पर हमला किया क्योंकि राजा दलेल सिंह ने रंजीत राय को आश्रय दिया था। दलेल सिंह युद्ध में मारा गया, तब दलेल सिंह ने एक वंशज कह सकते हैं कि एक वंशज ने उसी के राजा दलेल सिंह के एक वंशज ने आक्रमण किया और पलामू पर फिर से कब्जा कर लिया था। इनके द्वारा कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में अगर हम बात करें तो वो है शिवसागर जो कि एक महाकाव्य है, राम रसावन, राज रहस्य और गोविंद लीलामृत। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा गोविंद लीलामृत, जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है। उद्वासलकरण तो हम जानते हैं इसको किसने लिखा है, तो श्रीनिवास पांडे ने लिखा है। मेघदूत ये खोटा में अनुवाद किया गया है, ये भी श्रीनिवास पांडे के द्वारा ही किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि खोटा भाषा ग्रहण प्रकाशित भेल है तो आला प्रकाशन चास बोकारो के द्वारा इसका जो प्रकाशन हुआ। अगला सवाल है कि
पहला में नापल जाए तो पहला में किसे नापा जाता है, तो अनाज को मापा जाता है। और पहला के आधार पर जो वो खोटा के कुछ क्षेत्रीय विभाजन जो हुआ पहला के आधार पर जैसे हुआ है, जैसे खास पहलिया शिखरिया, तो ये कुछ कह सकते हैं कि अलग अलग आधारों पर पहला के मापन के आधार पर जो इसका जो अलग अलग क्षेत्र का विभाजन हुआ है। सोबले बेसी बोलल जाए वाला भाषा, तो सबसे ज्यादा बोला जाने वाला भाषा इसमें से खोटा जो वो माना जाता है। अगला सवाल है, खोटा खूंटा तितकी राय रचना लागे, तो यह क्या है, तो यह एक जीवनी है जिसको लिखा किसने है, तो इसको लिखा है सिराजुद्दीन अंसारी सिराज के द्वारा, खोटा खूंटा तितकी राय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी जीवनी है। उड़ीस महात्म के लिखा तो महेश गोलवार के द्वारा लिखा गया है उड़ीस महात्म, जिसमें से उड़ीस का जो वो महत्व बताया गया है कि उड़ीस क्या है, और साथ ही साथ उड़ीस भले उड़ीस के बारे में बताया गया लेकिन उसके साथ साथ कुछ लोगों पर जो व्यंग भी किया गया है, कहीं ना कहीं इसमें जो वो टारगेट भी किया गया है, और उसी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ चीज़ें जो आपको देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। सैतल साड़ा जोरनिक गोच के लिखलत, तो इसको लिखा है कृष्णचंद्र दास आला के द्वारा, कृष्णचंद्र दास आला के द्वारा यह जो रचना वो लिखा गया है। हिंदी खोटा शब्दावली के रचवैया लिखवैया लागत, तो हिंदी खोटा शब्दावली के लिखवैया का नाम जो है वो है कृष्णचंद्र दास आला, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आज का अंतिम सवाल है, खोटा ग्रहण कौन लिखल है, तो खोटा ग्रहण जो लिखा गया है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी आला जी के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी आला जी के द्वारा, इसी के द्वारा लिखा गया है। तो ये आपके आज के इंपॉर्टेंट 20 प्रश्न थे यहाँ से, तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। तो चलिए एक प्यारा सा सवाल का जवाब आपको कमेंट करके बता देना है कि चितरंजन महतो चित्रा के पिता का नाम और माता का नाम क्या था। चितरंजन महतो चित्रा जी के पिता का नाम और माता का नाम क्या था, ये दोनों आप आंसर कमेंट करके हमें बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी कोई अगला वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए और आप आसानी से उन सारे वीडियोस का बेनिफिट्स उठा पाएं। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, और अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।